वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का रिप्लाई को लेके ईरान के सुप्रीम लीडर को। रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने अपने तरफ से एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो है वो सफर कर रहे गाजा, इंडिया और म्यांमार में। उन्होंने गाजा का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ मुस्लिम जैसे है अभी, उसको कंपेयर किया है इंडिया में मुस्लिम जैसे है उसके साथ। अगर देखा जाए ये काफ़ी गलत है। इसराइल के साथ जो गाजा का वार चल रहा है उसमें मोर देन 50,000 जो पीपल है उन लोगों का ऑलरेडी डेथ हो गया है। वार का जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है। वहाँ के जो सिटीजन्स है उन लोगों को दो वक्त का खाना तो मिलना दूर, ऑन द अदर साइड जब ज़रूरत पड़ता है तब जो मेडिसिन चाहिए वो भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। और वही सेम सिचुएशन के साथ इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन लोगों को कंपेयर किया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा। तो अगर देखा जाए ये काफ़ी गलत है। और ये ट्वीट आने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइज होता है। पहला जो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये कामिनी कौन है? इनका पूरा नाम है शाहिद अली हुसैनी कामिनी। ये 1939 के बॉर्न है और पास्ट में ये ईरान के प्रेसिडेंट भी थे 1981 से 1989 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन कैसे है? 5th मार्च 1950 में इंडिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो ग्रो करना स्टार्ट किया। उसके बाद से अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में इंडिया ईरान का जो रिलेशन है ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेज से गुजरा है। कभी कभी ईरान और इंडिया एक साथ मिलकर डिफरेंट स्टेप लिया है, कभी कभी ईरान और इंडिया एक साथ नहीं हो सके। मगर आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया और ईरान दोनों ही एक अच्छा रिलेशन शेयर करता है। आज के डेट में इंडिया ईरान का क्रूड ऑयल बायर है लगभग 4,25,000 बैरल्स पर डे। ऑन द अदर साइड ईरान के जो ऑयल और गैस टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जहावार पोर्ट के बारे में, हम सबको पता है इंडिया वहाँ अपना काम करेगा और वो पोर्ट को और भी डेवलप करने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है ये उतना कुछ ख़राब नहीं है। ऑन द अदर साइड अचानक से ये जो लीडर थे ये अपने तरफ से ये ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर थोड़ा सा हलचल मच गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंडिया का रिएक्शन। आज के डेट में अगर देखा जाए दुनिया में जो अदर कंट्रीज है उनके साथ अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए तो इंडिया बहुत ही जेंटल वे से हर चीज़ में रिएक्ट करता है। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें मालदीव्स के जो मिनिस्टर थे जो मोदी जी के अगेंस्ट में ट्वीट किए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया उन लोगों को कैसा रिएक्ट किया या फिर आगे जाके वो जो मिनिस्टर थे वो लोग रिजाइन कर दिए, तो बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ। मगर एक चीज़ हम लोग को कॉमन देखने को मिलता है कि जब भी कोई ऐसा ट्वीट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही अच्छी तरह से इसको हैंडल करता है। और इस बार अगर देखा जाए इंडिया ने ये जो ट्वीट है ये ट्वीट का रिप्लाई देने में देर नहीं किया। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी इंडिया के अगेंस्ट में या फिर ऐसा कुछ ट्वीट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है एक दो दिन रुक के उसके बाद ये ट्वीट करता है या फिर इंडिया का क्या व्यू है वो ट्वीट करता है। मगर इस बार जो है इस बार ये जो काम है ये कुछ घंटे में ही हो गया है। आज के डेट में अगर देखा जाए इसराइल, US ये सब जो कंट्रीज है अगर इन लोगों के अगेंस्ट में ऐसा कोई ट्वीट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और वो लोग का ट्वीट का जो लैंग्वेज है वो अगर देखेंगे तो काफ़ी हार्ड होता है। ऑन द अदर साइड इस बार अगर देखा जाए इंडिया के तरफ से भी इसका रिप्लाई दिया गया है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है श्री रणदीप जायसवाल जी, उन्होंने अपने तरफ से इसका रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा इंडिया इज डिप्लोरिंग इट। यहाँ कंडेम नहीं यूज़ किया जा रहा है, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है डिप्लोरिंग। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में देखें तो जब कोई स्टेटमेंट आ रहा है इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये वर्बली नहीं आया था, मगर अगर कोई स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं तो उस टाइम में अगर कोई वर्ड पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है, ऑन द अदर साइड जब कोई कॉमा यूज़ किया जा रहा है ये बहुत ही सोच समझ के यूज़ किया जाता है। तो स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं रणधीर जी का कहना था कि इंडिया इज डिप्लोरिंग इट। डिप्लोरिंग को अगर हम लोग आसान भाषा में बोलना चाहे तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रांगली किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हैं। उन्होंने कहा वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। These are misinformed and unacceptable. Countries commenting on minorities are advised to look on their own record before making any observation on other. अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो ये एक स्ट्रेट मैसेज था ईरान को कि भाई आप अपने कंट्री में खुद जाओ, आपके कंट्री में माइनॉरिटीज का क्या एग्जैक्ट हालत है उसको देखो, उसके बाद आप जाके दूसरे कंट्री के जो माइनॉरिटीज है उसके बारे में कमेंट करो, क्योंकि आपका खुद का कंट्री का माइनॉरिटीज़ क्या है या फिर है या नहीं वो भी आपको पता है। ऑन द अदर साइड आप दूसरे के कंट्री के बारे में कमेंट कर रहे हो, वहाँ जो रह रहे हो उन लोगों के बारे में कमेंट कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। इस सिचुएशन में एक कहावत है जो कम्प्लीटली फिट हो जाता है कि ऑयल योर ओन मशीन। तो होपफुली ईरान को जो मैसेज चाहिए था वो इंडिया की तरफ से मिल गया है। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि वो लोग आगे जाके फिर से इसमें कुछ रिएक्ट करे या फिर से ट्वीट करे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट अपने तरफ से फिर से स्टेप लेगा।
ऑन द अदर साइड ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ईरान में माइनॉरिटीज का एग्जैक्टली क्या हालत है। तो ईरान को अगर देखा जाए, ईरान का टोटल पॉपुलेशन है आपका 8 करोड़ 80 लाख के आसपास। इसमें अगर आप माइनॉरिटीज ढूंढने जाए तो आपको मिलेगा ईरान में मुस्लिम का टोटल जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है 99.4%, मतलब 0.6% जो है वो माइनॉरिटीज ईरान में है। अब ये माइनॉरिटीज कौन है? आज के डेट में अगर देखा जाए ईरान में जो माइनॉरिटीज रहते हैं वो है अहमदिया मुस्लिम, जिन लोगों को ईरान के गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम नहीं मानते हैं। ऑन द अदर साइड थोड़ा बहुत जो है वो क्रिश्चियन रहते हैं, मगर वो लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं कि कभी भी हो सकता है कि उन लोगों को जान ले लिया जाए। तो ये जो डर है ये उन लोगों में रहता है। ऑन द अदर साइड जिस कंट्री में सिर्फ 0.6% माइनॉरिटीज है वो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो आप सोचिए एग्जैक्टली हालत क्या है ईरान का, या फिर ये जो लीडर है ईरान के सुप्रीम लीडर, इनके पास एग्जैक्ट किस लेवल पे इंफॉर्मेशन अपडेटेड है, या फिर इनके पास जो इन्फॉर्मेशन जाता है उनमें कितना फिल्टर होता है, और उनके पास एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट जो कंडीशन है भाई इंडिया का, वो उनको पता ही नहीं है। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाके 1980 में देखें तो उस टाइम में ईरान में जेनोसाइड हुआ था, जिस टाइम में ये जो माइनॉरिटीज थे उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया और उन लोगों को मारा गया। आज के डेट में भी अगर आप यूएन में जाए तो यूएन में इस टॉपिक को लेके अभी भी बात होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ईरान में थोड़ा सा पास्ट में जाए, माशा अमीनी, ये आपको जो नाम है ये आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, हो सकता है कि आपने पहले भी इसके बारे में सुना है। ये एक वोमन थी ईरान में जो अपने तरफ से जो हेडस्कार्फ थी वो नहीं पहनी थी, जिसके वजह से ईरान के जो गवर्नमेंट है इनको अरेस्ट किया और आगे जाके ईरान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल के द्वारा इनका हत्या किया गया, वो भी कस्टडी में, जिसको लेकर दुनिया में बहुत ही हलचल मच गया। आज के डेट में भी अगर आप देखें ईरान के जो महिला है वो लोग इनके जो एनिवर्सरी है उसमें कम्प्लीटली अपने तरफ से फास्टिंग रखते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली ईरान के जो वोमेन है वो लोग सेफ नहीं है, डिफरेंट टाइम में उन लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स होता ही रहता है, और अगर आप ईरान के न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको इस बारे में अपडेट होगा। तो होपफुली ये जो गवर्नमेंट है ईरान का और ये जो लीडर है ये लोग आगे से किसी और कंट्री के बारे में कुछ टिप्पणी करने से पहले एक बार सोचेगा कि हम लोग का खुद का कंट्री का क्या हालत है, और उसके बाद जाके हम लोग दूसरा कंट्री के ऊपर टिप्पणी करेंगे। और एक और मैटर इसमें राइज करता है कि आगे जाके अगर ईरान ऐसे ही कमेंट करता रहा तो ईरान और इंडिया का जो प्रेजेंटली फ्रेंडली रिलेशन है उस पर क्या ये इफेक्ट करेगा या नहीं, तो वो हम लोग को कम्प्लीटली देखने को मिलेगा आगे। और होपफुली मुझे लगता है कि आगे जाके ईरान की तरफ से ऐसा कुछ कमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ कमेंट आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होगा होगा ईरान को। तो अगर इस मैटर में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आता है या फिर ईरान के तरफ से कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियोज आता रहता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।